हेलो फ्रेंड्स, मसाला तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं कुट्टू के आटे के पकोड़े बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है, सेंधा नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च और दो आलू। अब हम इन्हें आलू को छील कर काट लेंगे। ये हमने आलू छील कर धो लिया है, अब हम इसके पीसेस काटेंगे। पतले पतले स्लाइस काटेंगे, मोटे नहीं काटेंगे, नहीं तो ये पकेंगे नहीं। इसी तरह हम पूरा आलू काट लेंगे। ये हमने आलू काट लिए हैं, हमने कुट्टू का आटा ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हरी मिर्च, काली मिर्च, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल बना लेंगे। हमारा घोल बन चुका है, अब हम पकौड़े बनाएंगे। कढ़ाई ले लिया, गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। हम गैस मीडियम कर लेंगे। अब हम एक एक करके पकौड़े डालेंगे। हमारे पकौड़े ऊपर आ गए हैं, हम इन्हें पलट लेंगे। और इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे पकौड़े बन चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे पकौड़े बना लेंगे। ऐसे फूले फूले पकौड़े बने हैं, आप भी इन्हें बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा व्रत वाला नमक। अब ये हमारे खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।